Welcome to my this class. Last class we have discussed about electric potential due to a spheric sphere. Whether it is a solid sphere or it is a hollow sphere. हमने solid का conducting, non-conducting और hollow का conducting, non-conducting भी discussion किए थे. जहाँ पे हमने देखा था कि solid का conducting and hollow का conducting, non-conducting के लिए एक ही result आ रहा था. वाह. मगर सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग के लिए कोई डिफरेंट रिजल्ट आ रहा था स्पेशली इनसाइड पॉइंट के लिए. आया समझ में कि नहीं. आज हम डिस्कशन करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में. वाह. क्या डिस्कशन करेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. आया समझ में कि नहीं. तो पहले हम शुरू करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में. इसके बारे में शुरू करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में. ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब देखो नेम में क्या बोलता है. व्हाट डज दैट नेम मीन? इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल. ऐसा समझ में द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ. अगर ये एक सरफेस है, मान चलिए ये मेरा एक सरफेस है, हाँ कि नहीं. अगर इसका कहीं पे एक चार्ज रख लो, इमेजिन करो, बोल प्रैक्टिकल फील दूंगा, एक इमेजिन करो, मान लो कि कहीं पे एक चार्ज है. चार्ज से यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा, अगर यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर कोई भी पॉइंट सरफेस पे लो, सेम पोटेंशियल बनता है तो ये सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट. The surface having same potential at every point of it is known as what? Equipotential surface. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ यंगा. तो अगर सरफेस में मेरा कोई भी पॉइंट पे भी मेरा सेम पोटेंशियल आएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? बोल. पोटेंशियल डिफरेंस का चीज समझ रहा है ना? मेरा पहला वीडियो में मैंने समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल, दो पॉइंट का पोटेंशियल में डिफरेंस मानने चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ कि नहीं. अगर एक पॉइंट का हम पोटेंशियल निकल रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज क्यू है, इसका पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब कोई टेस्ट चार्ज को हमको इनफाइनाइट से पी तक मूव करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से पी तक मूव करना पड़ेगा. अगर मेरा यहाँ पे ए है और ये बी पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ये चार्ज या कोई टेस्ट चार्ज को मुझे पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए. तो बी ए माइनस बी पी, यही वाला मेरा आता है. अरे आया कि नहीं समझ में. यही वाला मेरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस. अगर ये पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये बी ए मान के चल कि बी बी, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या बनेगा? जीरो बनेगा. अरे हाँ या ना. तो दो पॉइंट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? जीरो ही बनेगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? जीरो ही बनेगा. आ रहा है समझ में? ठीक है. तो ये जो सेम पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस में, देखो कैसे दिखाता हूं मैं, थोड़ा दो तीन चीज बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा. क्या बनाते हैं? मान के चल कि यहां पे कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज क्यू है,
यहां पे कोई चार्ज क्यू है, आया समझ में कि नहीं। अगर इसका यहां से कोई आर दूरी पे जो पोटेंशियल आएगा, सोच जरा यहां पे आर दूरी पे जो पोटेंशियल आएगा, ये भी आर दूरी पे वही पोटेंशियल आएगा। अरे हाँ या ना, अगेन और एक आर दूरी पे वही पोटेंशियल आएगा। तो सभी आर दूरी को अगर मैं कोई सर्कल या स्पीयर बट कोई भी एक रिंग से बना दूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दूं, तो वही वाला फील आएगा कि नहीं, वही वाला आर आएगा कि नहीं, आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है समझ में कि नहीं। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक सर्कल, पहले एक सर्कल के लिए सोच, पहले एक सर्कल के लिए सोच, ये वाला जो सर्कल बना यहाँ पे आर दूरी पे, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वी इक्वल टू बिट्टा क्यू बाई आर, यहाँ पे क्या आएगा वही वाला वी इक्वल टू बिट्टा क्यू बाई आर। तो ये एक सरफेस बना, ये एक सरफेस बना, सोच जरा ये एक सरफेस बना, सॉरी क्या बना, एक स्पीयर बना, वहा एक स्पीयर बना, बस स्पीयर ले ले, सर्कुलर रिंग भी ले ले, कोई भी ले ले, स्पीयर पे सोच ले पहले, जो स्पीयर बना यहाँ पे उसी स्पीयर का सरफेस में सेम पोटेंशियल आएगा, उसी सरफेस का स्पीयर में सेम पोटेंशियल आएगा। अरे हाँ या ना, उसी सरफेस का स्पीयर में जो कि चार्ज सेम है और रेडियस सेम है, तो क्या आएगा, सेम पोटेंशियल ही आएगा, आ रहा है समझ में, अरे हाँ या ना। तो ये जो सरफेस बना हर पॉइंट पे, यहां पे लो, 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 कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे मेरा क्या आएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में बोलूंगा, किस क्या बोलूंगा मैं इसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्या मैं बोलू, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आ रहा है समझ में। द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट इज नोन एज व्हाट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगा शायद, वाह नेक्स्ट को चलते हैं, आया समझ में कि नहीं। हाँ, अगर मैं क्या करूं, ये पॉइंट लू, ये पॉइंट, 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 ये पॉइंट लू, सोच जरा ये पॉइंट में अगर इससे मैं ज्वाइन करूं, इससे मैं ज्वाइन करूं, सब में डिस्टेंस सेम आएगा, सब में ये एक स्पीयर है, बस सर्कल है जिसमें ये वाला दूरी मान के चल के आर वन आया, ये आर वन, आर वन, आर वन, ये भी आर वन, आर वन, तो ये जो सर्कल बना, ये जो सर्कल बना, तो यहां पे भी वही वही पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा, बिट्टा क्यू वन, सॉरी क्यू बाई आर वन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब में वही वाला आएगा, सब में वही वाला आएगा, अरे हाँ या ना, सब में वही वाला आएगा कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो अगर सब में वही वाला आया, अगर सब में वही वाला आया, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, देखिए ये अलग है, ये अलग है, सोच रहा है ये अलग है, ये अलग है, मगर क्या है, दोनों का सेंटर सेम पे है, दोनों का सेंटर सेम पे है, आ रहा है समझ में, दोनों का सेंटर सेम पे है, तो ये वाला क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग प्लेन मोड, अगर सॉलिड कंडक्टिंग मैंने ले लिया तो सर्फेस में जो आएगा अंदर भी तो वही आएगा, सर्फेस में जो आएगा अंदर भी वही आएगा। मैं एक सर्कल के लिए सोच रहा हूं, एक सर्कुलर रिंग के लिए सोच, सर्कुलर रिंग के लिए सोच, जो रेडियस तरह बनेगा, जो रेडियस तरह बनेगा उसी हिसाब से आएगा। अगर यहां पे मैं कोई सर्कल लिया आर वन के हिसाब से, तो यहां पे चार्ज रखा, ये दूसरा सर्कल है, सोच रहा ये एक सर्कल है, तो यहां पे जो बनेगा बिट्टा क्यू बाई आर वन, यहां पे कोई लिया इसका रेडियस आर टू बना, तो यहां पे क्या बनेगा, बिट्टा क्यू बाई आर टू, आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं। डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स में ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या ले रहा हूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आया समझ में, क्या मैं ले रहा हूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा वो वाला इक्विपोटेंशियल सर्फेस होगा, कैसे, ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, उसके बाद ये अलग अलग है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये इक्वल है, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस, हर पॉइंट इसका इक्विपोटेंशियल है, तो ये वाला बना इक्विपोटेंशियल सर्फेस, अगर यहां पे जो आएगा ये वाला बनेगा मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए सोच जरा, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए मेरा कैसे बनेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यही वाला तो बनेगा ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अरे हाँ या ना, यही वाला बनेगा मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में।
एक पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई पॉइंट चार्ज के लिए, पहले पॉइंट चार्ज के लिए क्या मैं सोच रहा हूं, एग्जाम में कभी कभी आ रहा है क्वेश्चन के एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे बनेगा हुआ। अरे हाँ या ना, कहां गया मेरा ब्लॉक, आया, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, वाला बनेगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। देख इधर कौन कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर सब हो रहे हैं, ये वाला कोई सरफेस है, ये वाला कोई सरफेस, ये वाला कोई सरफेस, ये वाला कोई सरफेस, ये सब जो हो रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पे सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इनका ये सरफेस का ये सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, मगर ये सारे सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आया समझ में कि नहीं, ये सब क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, आया समझ में, ये सब क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो भी पोटेंशियल बनेगा सेम पोटेंशियल बना, तो इसको हम बोल रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ रहा है समझ में, आगे चलेंगे, अरे आगे चलेंगे, हाँ ठीक है चलते हैं, मिटाने जा रहा हूं ये वाला, ड्रा कर लो पॉइंट चार्ज के लिए, यहाँ पे क्या है ये वाला पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट को चलेंगे, नेक्स्ट को चलेंगे, अब दिखते हैं, अब दिखेंगे कोई लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज याद आ रहा है एक वेयर यहां पे था, अरे लाइन चार्ज याद आ रहा है कोई वेयर यहां पे था, तो यहां पे मेरा क्या था ना पॉजिटिव चार्जेस, मानते हो पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज के लिए भी कर सकते हो, मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहा हूं, वह यहां पे था, तो यहां पे आर दूरी पे जो पोटेंशियल बनेगा यहां पे भी वही पोटेंशियल आर दूरी पे बनेगा, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में कि नहीं, अरे आया लाइन चार्ज के लिए, ये क्या है वो था पॉइंट चार्ज के लिए, ये बना मेरा लाइन चार्ज के लिए, तो लाइन चार्ज के लिए मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा देख जरा कैसे बनाता है, यही तो मेरा सिलिंड्रिकल फॉर्म है, यही तो मेरा सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है कि नहीं, सोच जरा सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है कि नहीं, ज्वाइन करेंगे तो यही वाला मेरा सिलिंड्रिकल फॉर्म बनेगा, तो लाइन चार्ज के लिए क्या बनाते हैं मेरा सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप, आया समझ में, क्या बनाते हैं सिलिंड्रिकल शेप, आया लाइन चार्ज के लिए क्या बनेगा सिलिंड्रिकल सरफेस, ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरा बनेगा, यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे पॉइंट में पोटेंशियल मेरा सेम ही बनेगा, आर दूरी पे क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बन रहा था लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर भी मानू तो ई इंटू डी आर हो जाएगा, तो ए वाला ई डी आर तो सबके लिए समान है, सबके लिए सेम है ना आर, तो यही वाला बनेगा, अरे हाँ या ना, सबके लिए यही वाला बनेगा ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, ठीक है ये वाला था लाइन चार्ज के लिए, ठीक आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आएगा अगर मेरा फील्ड्स आर यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म बनेगा तो ये वाला ऐसे चलेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा यूनिफॉर्म बना तो ऐसे ही चलेगा क्या? क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना तो ऐसे ही कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ कर सकता हूँ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? देख इधर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा तो ये वाला पूरा स्ट्रेट लाइन, पूरा स्ट्रेट लाइन मेरा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही बनेंगे। ये वाला पॉइंट में पोटेंशियल क्या मेरा बनेंगे? सेम ही बनेंगे। हर एक पॉइंट सेम दूरी पे है यहाँ से। अरे हाँ, यहाँ से इतना दूरी, यहाँ से इतना दूरी, सेम दूरी पे है। तो ये वाला सारे सब क्या बनेंगे? पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल आएगा तो क्या बनेगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा। इक्वी पोटेंशियल बना तो उसका प्लेन कैसे बनेगा? उसका प्लेन ऐसे ही बनेगा। उसका प्लेन कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। अरे हाँ या ना, यही वाला तो मेरा बनते हैं प्लेन सीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हुआ तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? प्लेन सीट, प्लेन सीट। आया समझ में? देखो अच्छी तरह से देखो, यही वाला बनेगा। अगर मेरा इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गए तो मेरा कैसे बनेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस? प्लेन सीट बनेगा। पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल फॉर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हुआ अगर तो क्या बनेगा? प्लेन सीट बनेगा। क्या बनेगा? प्लेन सीट। आया समझ में? ये वाला थोड़ा याद रख लो, यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कहां पे? एक जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वही वाला वहां पे यूज करेंगे। बाद में आएगा कॉन्सेप्ट, थोड़ा दिमाग में रख लो। एसी वाला ही स्ट्रक्चर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा मेरा? यूनिफॉर्म बनेगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या बनेगा? प्लेन सीट बनेगा। आया समझ में? अरे आ रहा है समझ में ना? नहीं, आगे बढ़े, स्क्रीन को पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब में इलेक्ट्रिक फील्ड, सोच जरा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? देख इधर, क्यों होगा? ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, सोच जरा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो डीवी का वैल्यूज क्या है? नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ माइनस ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो, माइनस ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। अगर ई डॉट डी आर इक्वल टू मेरा जीरो बना, ई डॉट डी आर इक्वल टू अगर मेरा जीरो बना तो कब ये जीरो हो सकता है? ई डॉट डी आर मेरा जीरो बनेगा। कब बनेगा जीरो? इफ E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dr वेक्टर, क्योंकि थीटा मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में थीटा मेरा 90 डिग्री होगा, थीटा मेरा 90 डिग्री होगा। डॉट प्रोडक्ट में थीटा मेरा 90 डिग्री होगा तभी E मेरा परपेंडिकुलर क्या बनेगा? dr से। तभी E मेरा परपेंडिकुलर किसको बनेगा? dr से। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। तो थीटा मेरा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा मेरा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना। आ रहा है समझ में? तो ई मेरा 90 डिग्री बना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर ही छे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे? इधर ही छे। तो डीआर मतलब यही वाला डीआर, यही वाला डीआर, यही वाला डीआर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, यही वाला डीआर आता है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना। आया समझ में? यही वाला इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके इससे लेकर मैं अभी एक दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा। सोच जरा, दूसरा इक्वी सरफेस कैसे बनाते हैं? देखिएगा, तो हमेशा याद रखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये मेरा सरफेस बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये मेरा बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सरफेस को 90 डिग्री, ना कि एरिया वेक्टर को। सरफेस, ये वाला सरफेस है, सरफेस को 90 डिग्री। आया समझ में? तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए, अगर एक डाइपोल के लिए, किसके लिए? और एक डाइपोल के लिए, डाइपोल में क्या चीज आता है? मेरा एक पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव क्यू, एक आता है नेगेटिव क्यू, एक आता है पॉजिटिव क्यू, एक आता है नेगेटिव क्यू।
पॉजिटिव क्यू, एक आता है नेगेटिव क्यू। सोच जरा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनते हैं, इस तरह बनाते हैं। अरे हाँ या ना, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक चलते हैं, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक चलते हैं, ऐसा समझ में कि नहीं, नेगेटिव को ऐसे चलते हैं। हर एक पॉइंट को, सरफेस का हर एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। उसको परपेंडिकुलर मतलब कैसे बनेगा, यही वाला बनेगा, यही वाला बनेगा, यही वाला बनेगा। सोच जरा हर एक पॉइंट को मेरा सरफेस में क्या बनेगा, ना 90 डिग्री बनेगा, हर एक पॉइंट को मेरा सरफेस में 90 डिग्री बनेगा। रेड मार्कर में जो मैं कर रहा हूं वो वाला तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, वो वाला तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, आ रहा है समझ में। देख इधर, यही पॉइंट में सोच जरा, यही पॉइंट में सोच जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा, अरे आ जाना, तो सरफेस का परपेंडिकुलर, सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे, इस तरह ही होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर, अरे हाँ या ना, सरफेस को परपेंडिकुलर बनेगा। सरफेस को परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, वही वाला है कि नहीं, मतलब सरफेस को ऐसे ही वाला नहीं, छोड़ दे, सरफेस को टेंजेंशियल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ या ना, तो इस तरह ही हमारा क्या बनेगा, मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा। यहां पे करूं तो ये वाला बनेगा, समझ में कि नहीं, हर एक पॉइंट पे मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, यही वाला मेरा बनेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यही वाला मेरा बनेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहां से करूं तो और क्लोजली लूं तो यही वाला, जो जो रेड मार्कर में मैं कर रहा हूं, अच्छा ये सर्कल बनेगा, मेरा सर्कल थोड़ी से नहीं हो रहा है, जो रेड मार्कर में कर रहा हूं वही वाला मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा, वही वाला मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा, ऐसा समझ में कि नहीं, वही वाला मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा। पोटेंशियल सरफेस बनेगा किसके लिए, ना एक डाइपोल के लिए, वाह, कोई भी पॉइंट तुम ये सर्कल्स पे ले लो वो 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल, वाह, अरे हाँ या ना, तो मिटाते हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब क्या करना है, अब क्या करना है, दो सिमिलर चार्ज के लिए करना है, क्या करना है ना, दो सिमिलर चार्ज के लिए करना है, वाह, देखो दोस्तों, दो सिमिलर चार्ज के लिए कैसे बनाएंगे, दो सिमिलर चार्ज के लिए, टू सिमिलर चार्ज, टू सिमिलर चार्ज, टू सिमिलर चार्ज मतलब ये वाला है प्लस क्यू, ये वाला भी ले लो प्लस क्यू, दो सिमिलर चार्ज, ये वाला प्लस क्यू और वो वाला भी, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, अब इसका जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसे बनेगा, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनेगा, अरे हाँ या ना, कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अरे हाँ या ना, आया, सब में मेरा लाइन्स ऑफ फोर्स बन सकता है,
अच्छा अब इसका इक्वेशन सरफेस वही वाला आएगा, वही वाला फिर से आ गया मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, आया समझ में कि नहीं, वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे मगर थोड़ा इस तरह आएंगे, दूरी दूरी पर आएंगे, वाह, कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आ रहा है दिखाई दे रहा है ना, इस तरह मेरा बनेगा लाइन्स ऑफ फोर्स, इस तरह मेरा बनेगा लाइन्स ऑफ फोर्स, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं, अगर यहां पे कोई इस तरह भी बन सकता है, जैसे ये भी मेरा लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगा, सर्कल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वही कॉर्ब की तरह बनेगा, वाह इस तरह मेरा बनेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, यहां से सब सरफेस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री ले लो, वहीं पे बन जाएगा, वहीं पे बन जाएगा, आया समझ में, ठीक है। तो चार पांच डायग्राम को थोड़ा याद रख लेना, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीन चार प्रॉपर्टीज में बोलूंगा, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं बोलूंगा, लिख लो ये वाला, बेटा मैं जा रहा हूं, अब देख क्या बनता है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस का फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, मैंने बताया था, अरे हाँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी आया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ तो वर्क डन मेरा क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर ये मेरा जीरो बन गया तो ये वाला भी हमसे मल्टीप्लाई, तो वर्क डन भी मेरा क्या बन जाएगा, जीरो, वर्क डन भी मेरा क्या बन जाएगा, जीरो, सो देयर इज नो वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इसी को और एक तरीके से भी बता सकता हूं, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच, डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाएगा मेरा फोर्स भी वही डायरेक्शन पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन पे होगा मेरा फोर्स भी वही डायरेक्शन पे होगा, तो मेरा वर्क डन क्या बनेगा, एफ डॉट डीआर, और इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, एफ डीआर क्या बनेगा, कॉस 90 इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यही वाला तो जीरो बनेगा, अरे हाँ या ना, डीडब्ल्यू मेरा क्या बनेगा, जीरो बनेगा, आ रहे समझ में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अच्छा ठीक है, दो पॉइंट, दो प्रॉपर्टीज तुमको मिल गए, पहला प्रॉपर्टीज था पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो एंड वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, तीसरा प्रॉपर्टीज में यही प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूं कि मुझे पता है डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीआर, माइनस ऑफ ई डॉट डीआर, अगर ये मेरा जीरो हो गया फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो ई डॉट, ये जीरो भी माइनस इधर आ गया, ई डॉट डीआर भी जीरो बनेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, लाइन इंटीग्रल, सोच जरा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इज ऑलवेज जीरो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इज ऑलवेज जीरो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इज ऑलवेज जीरो, आ गया समझ में, नेक्स्ट को चलते हैं, दिया गया है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि दो मार्क क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों, इसका रीजन है क्यों, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वाह
सोच जरा, अगर यहां पे कोई सरफेस है इस तरह का और यहां पे कोई सरफेस है इस तरह का, सोच जरा कैसे होते हैं ये वाला चीज। ये मेरा एक डस्टर है और एक मोबाइल फोन है मेरे पास। अगर ये वाला एक सरफेस है, सोच रहा एक सरफेस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर ही आएगा, हाँ कि नहीं? और ये अगर सरफेस है तो अगर मैंने चल के इंटरसेप्ट किया मतलब कैसे, इसे घुस के जाएगा, अगर ऐसे हुआ तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, हाँ कि नहीं? दो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये सरफेस के लिए मैं देखूं, ये सरफेस जो इस तरह है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक, अच्छा ये वन सरफेस है, ये टू सरफेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। जो सरफेस ऐसे है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड क्या में आएगा? वो इधर आएगा। अरे हाँ, यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? यह हमने पढ़ा था, टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अरे हाँ, यहाँ सोच जरा अच्छी तरह से, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो उन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो भी इंटरसेक्ट करेंगे, अगर उन दोनों इंटरसेक्ट किए, तो मेरा फिजिक्स ही गलत हो जाएगा, लाइन्स ऑफ फोर्स का थ्योरी भी गलत हो जाएगा। आ रहे हाँ या ना? सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये सुनो, अरे हाँ या ना? एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ऐसा समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? बट इट नेवर हैपेंस, इट इज नॉट पॉसिबल। दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? सिंगल पॉइंट का दो डायरेक्शन, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। सरफेस को तो 90 डिग्री बनेगा ना, सरफेस को 90 डिग्री कैसे बनेगा अगर दो इंटरसेक्ट हो गए? दो इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो जाके 90 डिग्री बनेगा, मगर ये तो नहीं हो सकता। सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स मीन्स टू डायरेक्शंस एट ए सिंगल पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यस और नो? यस और नो? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, आगे चलेंगे। हो गया यहाँ तक, ये वाला चार प्रॉपर्टीज था। और इसके प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ बुक में ये भी लिखा गया हुआ कि कोई पॉइंट चार्ज के लिए मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, ये मैंने दिखा दिया हूँ। लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल शेप का बनेगा, ये भी मैंने दिखा लिया हूँ। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए प्लेन शीट की तरह मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। आया समझ में? आगे चलेंगे, अच्छा ठीक है, जो जो लिखा गया है उसे नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं, मिटाने जा रहा हूं मैं। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्या दिया गया है? एक न्यूमेरिकल। अच्छा, क्या दिया गया है? इस तरह का दिया गया है। वहां ये मेरा 10 वोल्ट था, ये मेरा 20 वोल्ट था, ये मेरा 30 वोल्ट, ये मेरा 40 वोल्ट था। वहां इस तरह का दिया गया है। और क्या क्या एंगल? सब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेरा 30 डिग्री बना रहे हैं। ये क्या बना रहा है? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। वहां दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा मैं दिख लेता हूं। हाँ, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या मुझे पूछा है कि द डायग्राम शोज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शंस निकालो। किसका ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का।
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो और डिरेक्शंस निकालो. कैसे करेंगे देखो, हुआ कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट कंसिडर करो. अच्छा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या बनेगा, अच्छा देख ये वाला इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, ये वाला इक्वी पोटेंशियल, इससे इसका कोई लेना नहीं. ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है, सोच जरा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का मतलब क्या हुआ है, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब में इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, सब में इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, यहां पे 30 यहां पे 30 30 30 30 ऐसे बनेगा. कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का पॉइंट चूज कर जहां पे 90 डिग्री बनेगा, जहां पे मेरा क्या बनेगा 90 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के लिए, 90 डिग्री बनेगा. तो मैं क्या करूं कि यहां से कोई 90 डिग्री यहां पे बना सकता हूं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के साथ 90 डिग्री, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के साथ 90 डिग्री. सोच जरा दिमाग लगा तो यहां पे ये मेरा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा सर्फेस के साथ 90 डिग्री एंगल. वही वाला कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं बार बार कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा सर्फेस को. तो सर्फेस को परपेंडिकुलर मतलब यही वाला, तो यही वाला क्या बनेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बनेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड. अरे हाँ याना, अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा 20 वोल्ट के लिए भी बनेगा. अरे हाँ याना, तू चाहे तो यहां पे भी ले सकता है कोई दिक्कत नहीं, तू चाहे तो यहां पे भी ले सकता है, यहां पे भी कोई भी दो पॉइंट कहीं पे भी कंसीडर कर ले, कहीं पे भी दो पॉइंट कंसीडर कर ले, मगर दो पॉइंट कंजिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा 90 डिग्री, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा 90 डिग्री. अब देखा एंगल क्या क्या बन रहा है मेरा, ये अगर 30 बना तो ये क्या बनेगा मेरा 60 डिग्री, ये भी खुद 30 डिग्री बन जाएगा. अरे हाँ याना, ये भी खुद क्या 30 डिग्री बन जाएगा. अरे हाँ याना, आया समझ में कि नहीं. मान के चल ये वाला पॉइंट को मैं ए दिया हूं, ये वाला पॉइंट को मैं बी दिया हूं, ये वाला पॉइंट को मैंने सी दिया हूं, आया समझ में. अच्छा अब देख, अब देख ए से बी का दूरी कितना होगा, कोई डिस्टेंस दिया गया है क्या क्वेश्चंस पे, हाँ क्वेश्चंस पे और एक चीज भी गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है यार, सॉरी बच्चों कोऑर्डिनेट गिवन है. यहां पे मेरा कोऑर्डिनेट 10 है, कोऑर्डिनेट 20 है, कोऑर्डिनेट 30 है, 30 है, यहां पे मेरा कोऑर्डिनेट 40 है, आया समझ में. इस तरह का मेरा कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है, आया समझ में कि नहीं. क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख लो. तो यहां पे हम एबी निकालेंगे, क्या निकालेंगे एबी निकालेंगे, तो एबी क्या मिला, ए मेरा कोऑर्डिनेट दिया गया था, तो एबी जब निकालूंगा तो एबी से मैं क्या निकालूंगा, यही मेरा क्या डिस्टेंस बनेगा ए से सी. एबी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ए सी कॉस 60. अरे देख ये वाला हुआ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये वाला मुझे मिल सकता है कॉस 60. तो एसी के साथ कॉस 60 मिला, तो एसी मेरा 10 है, कॉस 60 मेरा 1/2 है, तो क्या बनेगा मेरा एबी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मीटर ले ले 5 मीटर, क्योंकि वो वाला वोल्ट में है, तो एबी मुझे 5 मीटर मिल गया, तो एबी मुझे क्या मिल गया 5 मीटर. और ए से बी पे, अच्छा ये एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, तो इन दोनों के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा. यहां पर और एक चीज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू होता है, देख अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मैं पहले से ही बोला था पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन, सॉरी पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं क्या बोला था, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि नहीं. तो यहां पे जो पोटेंशियल आएगा यहां पे कम आएगा, हाँ कि नहीं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा मतलब क्या होगा, पोटेंशियल कम आएगा, तो जहां पे ज्यादा आएगा वो वाला मेरा इनिशियल पॉइंट होगा, जहां पे ज्यादा आएगा वो वाला मेरा क्या होगा इनिशियल पॉइंट होगा. अरे हाँ या ना, सोच जरा सोच जरा, जहां पे ज्यादा आएगा वो मेरा मेरा इनिशियल पॉइंट होगा. तो ज्यादा कहां पे है 20 वोल्ट पे, लेस कहां पे है फाइनल पॉइंट पे. तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल बनेगा, सोच जरा. अब तुम पूछोगे कि सर आपने 20 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस का बात है, तो आपने सर 20 माइनस 10 क्यों नहीं किया, 10 माइनस 20 क्यों किया.
मैं इसीलिए क्या बच्चों, क्योंकि मेरा पोटेंशियल जो है द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डिरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहां से लगा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पहले था उसके बाद यहां पे गया है, तो यहां पे क्या होगा, ज्यादा पोटेंशियल होगा, यहां पे क्या होगा, कम होगा, यहां पे ज्यादा पोटेंशियल यहां पे कम हुआ, तो इन दोनों के बीच में इनिशियली कहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे था, फाइनल में कहां तक गया, यहां पे गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल बनेगा, फाइनल क्या है मेरा 10 - 20 दैट इज dV = -10 वोल्ट, dV = -10 वोल्ट, आया समझ में कि नहीं, dV = क्या बनेगा मेरा -10 वोल्ट बनेगा, आया समझ में, अब तो E = क्या बनेगा मेरा माइनस ऑफ, फॉर्मूला क्या है मेरा E = -ऑफ dV/dr, E = क्या है मेरा फॉर्मूला -ऑफ dV/dr, तो माइनस dV का वैल्यू क्या है -10, r का वैल्यू 5, आया कि नहीं, वोल्ट यहां पे मीटर, तो माइनस माइनस प्लस, तो E मेरा क्या बन जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, 2 वोल्ट पर मीटर, ई मेरा क्या बन जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर, आया समझ में, अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में, अरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, आया समझ में कि नहीं, और इसका डिरेक्शन क्या बनेगा, अच्छा ये वाला वैल्यू तुमको मिल गया, अब डिरेक्शन क्या बनेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 90 + 30 कितना एंगल बना रहे, 120, आइदर तुम 120 लिख सकते हो या फिर ये वाला थीटा भी लिख सकते हो, वह डिरेक्शन पार्ट में लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स अन एंगल 60° विथ एक्स एक्सिस ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा ना, तो ये वाला एंगल लिख सकते हो, अगर लिखोगे तो ये 60° बनेगा, या फिर लिख सकते हो क्या पे, एक्चुअली यहां से एंगल नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेंगे ना ये पॉइंट के लिए, तो यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो 60° ही लिखोगे, तो 60° बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, आया समझ में, न्यूमेरिकल्स हो गया, आसान सा सवाल था, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, वह कहां कहां पे दिमाग लगाने की जरूरत है, पोटेंशियल 10 से 20 कैसे करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर बना, अगर तुम बोलो कि सर ये दो पॉइंट के लिए करो, हाँ करूंगा, यहां पे ऐसे करूंगा, वहां ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बने, निकाल लो एक ही आंसर मिलेगा, यहीं पे आंसर एंगल भी 60° मिलेगा, वहां ये वाला भी 10 आएगा, ये भी मिलेगा मुझे 5, वहां कि नहीं, ये वाला डिस्टेंस मुझे 5 मिलेगा, इनके बीच में भी मेरा पोटेंशियल 30 - 40 में करूंगा, वहां यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 90° है, यहाँ पे भी 90° है, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, हुआ समझ में, आया समझ में, ठीक है नेक्स्ट को चलेंगे, तो ठीक है ये वाला बन गया मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, हुआ ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट क्या था, नेक्स्ट क्लास में मैं और एक वीडियो इसका बनाऊंगा जहां पे लिखा गया होगा, जहां पे हम दिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें यहां तक कोई डाउट है क्या, मुझे लग रहा है कि कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स पे लिखो, हुआ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, वहां अगर डाउट है तो कमेंट्स में लिखो, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, वहां तो नेक्स्ट में क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ, वहां ठीक है, थैंक यू।